उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हैं। सभी पार्टियों के नेता लगातार जनता के बीच पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं बहराइच विधानसभा की बात करें तो यहां पांचवें चरण में वोटिंग होनी है, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार को बहराइच सदर से बहुजन समाज पार्टी के लिए नईम खान ने अपना नामांकन दाखिल किया और बीएसपी कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के घर घर जाकर वोट की अपील की। बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहराइच में बहुत है, हम मजदूरों के बीच में रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बेरोजगारी परेशानी बहराइच में बहुत है। बस सबसे बड़ा मेरा मुद्दा बेरोजगारी है, लोगों को नौकरियां दिलाना है, लोगों को रोजगार देना है, बस इसी मकसद से हम चुनाव में खड़े हुए हैं। इस बार आपके सामने एक बड़ी चुनौती है, सामने भाजपा है और सपा के कद्दावर नेता डॉक्टर वकार अहमद शाह के बेटे यासिर शाह आपके सामने है, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं, किस तरह से जनता को जो है लुभाने का? मुझे बहराई जनता चुनाव लड़ा रही है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है। जहाँ जहाँ हमको बुलाया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं, जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है। भले ही इस बार के विधानसभा चुनाव में सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बताई जा रही हो, मगर सपा और बीजेपी की सीधी लड़ाई से इतर बहुजन समाज पार्टी भी अपनी सरकार बनने का दावा कर रही है। बीएसपी प्रत्याशी नईम खान ने कहा कि प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बहराइच सदर को पिछले कई सालों से विकास से दूर रखा गया है, इस बार जनता जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर वोट करेगी। नईम खान ने प्रदेश के युवाओं की बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई समेत कई मुद्दों का जिक्र किया और कहा कि जनता इस बार बीएसपी के साथ खड़ी है। क्या लगता है बहराइच में किन किन चीजों की कमी रही है जो आज तक पूरी नहीं हो पाई, जो आप इस सदर सीट पर विधायक बनेंगे तो पूरा करेंगे? मेरे हिसाब से कमियां तो बहुत हैं, गिनाना तो बहुत टाइम लग जाएगा, कमियां तो बहुत है। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी और दिक्कत है रोजगारी, गरीबी, तो इसको दूर करना है। स्वास्थ्य का भी जो है मामला है, शिक्षा का मामला है, यहाँ पर स्वास्थ्य का भी खिल मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, लेकिन बहराइच के लोग उसको 20% हमको मांग होगी कि उसमें जो है बहराइच के लोगों को 20% दिया जाए। सिर्फ मेडिकल कॉलेज बना हुआ है लेकिन बहराइच का कोई फायदा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप क्या करेंगे, यहाँ की रोडें बहुत खस्ता हाल है, जाहिर सी बात है हमको अगर हम भले ही बीएसपी प्रत्याशी नईम खान इस बार के चुनाव में जाति और धर्म से उठकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, मगर यूपी विधानसभा चुनाव का इतिहास रहा है कि हर बार जातिगत समीकरणों ने जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। बहरहाल चुनावी शोर है तो कोई भी पार्टी खुद को कमजोर क्या कहे, सभी के अपने अपने दावे हैं, मगर अंतिम फैसला जनता को लेना है कि वो किसके साथ खड़ी है। पंजाब केसरी के लिए बहराइच से मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।